तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बेना सुंदर भाई ने यादी भेजी है, ये जिसे एक बार इतना पकड़ना। ये बेना ये मठिया पुरी, ये भाकर बड़ी, ये चकली, ये गांठिया, ये सिंग और पराली चिवड़ा भी है बाबूजी के लिए। थैंक यू। ये राकेश भाई है? अगर ये राकेश भाई है तो कल आए थे वो कौन थे? अरे ओ भाई आप बैठिए ना, बैठिए ना। टप्पू के पापा आप दुकान छोड़ने के लिए निकलिए, मैं राकेश भाई को चाय नाश्ता करा के वो काम कर लूंगी। पक्का? हाँ हाँ। संभाल के। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राकेश भाई आपका किस चीज का कामकाज है? बिना मेरा रेडीमेड और होलसेल का बिजनेस है। राकेश भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेना थोड़ा जल्दी में। नहीं नहीं राकेश भाई आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है शरबत दे दो। मैसेज करके जितना भी खर्चा हुआ है नवरात्रि उत्सव का वो सब पैसे उसके पास से तू ले ले। बेना का फोन। हेलो बेना। हेलो मीरा। हाँ बेना वो मेरा दोस्त राकेश सिटी आया कि नहीं? मैंने उसके साथ मठिया पूरी सिंग और बहुत कुछ बेचे, ले लेना। हाँ अच्छा मीरा मुझे ये बताओ राकेश सिटी नाम का तुम्हारा कोई दूसरा दोस्तार भी है? नहीं बेना पूरे अहमदाबाद में मेरा एक ही दोस्त है जिसका नाम राकेश सिटी है। पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसे मैं तो वीरा फरसान मिल गया है। हाँ चलो मैं फोन रखती हूँ। बाय। मैं जो सोच रही हूँ कहीं वो सच ना हो जाए। अच्छा बेना अब मैं चलता हूँ। हाँ, हाँ, संभल के जाना बाय। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहती है, इतने टेंशन में क्यों हैं आप? आप लोग जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। आप पर हुआ क्या है? हाँ बताती हूँ, आप घर पे आ जाइए ना जल्दी। ओके ओके आ रही हूँ। हाँ आ रहे। अरे संभाली दया भाभी। दया भाभी क्या हो गया? क्या हुआ? आप बैठिए और सब बताइए। बताइए हमें
आज लॉकर में नेकलेस सेट रख नहीं जा रही थी, तभी अभी थोड़ी देर पहले ही सुंदर हीरा के दोस्त राकेश भाई आए थे। अच्छा अच्छा राकेश भाई, वो सेट का नया डिजाइन लेकर आए होंगे, तो उसमें परेशानी वाली क्या बात है? तो come on रोशन भाभी, अब हमें कहाँ नेकलेस खरीदनी है? हाँ बजट ही नहीं है तो? नहीं नहीं नहीं, हम लोग लूट गए, हमारे साथ चीटिंग हुई है। चीटिंग? चीटिंग हाँ। एक मिनट भाभी, आप शांति से बताइए हुआ क्या? अरे कल जो राकेश भाई आए थे और आज जो राकेश भाई आए थे, वो दोनों अलग अलग राकेश राकेश हैं। अलग? दया भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? दया भाभी आप प्लीज पहले बैठिए, प्लीज बैठिए। दया भाभी, कल हमने जिससे नेकलेस खरीदा वो सुंदर भाई के दोस्त राकेश भाई थे ना? ऐसा उसने कहा। हाँ। अरे वो भी सुंदर वीरा का दोस्त राकेश भाई और ये भी सुंदर वीरा का दोस्त राकेश भाई। तो उसमें चीटिंग क्या हुई? देख ना, एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं ना? नहीं नहीं, दो व्यक्ति का एक नाम हो सकता है ना सर? पॉइंट पॉइंट। हाँ मार्टिन भाई। अरे भीड़ बहन, अरे एक असली है और एक नकली है। अरे देवा, कहाँ का प्रकार है असली नकली सा? अरे बाबा खूब कंफ्यूजन है। दया भाभी आप जरा क्लियरली बताइए ना नकली का आया है। हाँ। देखिए हाँ। आज अभी जो राकेश भाई आए थे ना, वो सुंदर वीरा के असली दोस्तार राकेश भाई थे। बरोबर पूरे। और कल जो नागिना वाले राकेश भाई आए थे ना, भाभी कल हमने जिससे नेकलेस खरीदा वो राकेश नकली था? नकली? और वो हमें नकली नेकलेस बेचकर चला गया। कल्याण, अरे देवा माझा कठिने कठिने। भाभी आपने सुंदर भाई को फोन करके कंफर्म किया कि उनका असली दोस्त कौन है? हाँ, मैंने सुंदर वीरा को फोन करके पूछा, वही मतलब आज जो आए थे वही सुंदर वीरा के असली दोस्त राकेश भाई है। और मैंने असली राकेश भाई को पूछा, उन्होंने कहा कि उनका कहीं पर भी दागिने बनाने का धंधा है ही नहीं। पापा समुपला सगड़ा। ये वैसे दिखने में तो परफेक्ट ही लग रहा है, दिखाओ। हाँ, देखने में तो परफेक्ट है लेकिन वजन का मुझे डाउट आ रहा है। हाँ देखो। है ना, मुझे भी लग रहा है सर शायद। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ खुदा, 100% नक्की वजन में गोलमाल है। मैं तो कहती हूँ कि ज्वेलर के पास जाके नेकलेस चेक करके लाते हैं ना। आइए आइए,
रिंग बंगड़ी नेकलेस क्या बताऊँ आपको? नहीं नहीं भाई वो थैंक यू पर हमें कुछ लेना नहीं है, आप जरा हमें बताएंगे कि ये आप जरा चेक करके बताएंगे ये हार कितने कैरेट का है? कोई बात नहीं, लाइए मैं चेक कर देता हूँ। और भाई वजन कितना है वो भी जरा बताएंगे? हाँ जरा चेक कर देता हूँ। हुआ कुछ? हाँ एक मिनट जरा चेक कर रहा हूँ मैं। चेक तो करने दीजिए माधव भाभी। ये नेकलेस तो नकली है। इसपे तो आधे ग्राम सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इमिटेशन आइटम है ये। 500-700 से ज्यादा का नहीं होगा ये। और कुछ दिखाओ आपको? नो इट्स ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो। गॉड, हमारे साथ क्या हो गया? खुलेआम चीटिंग हुई है हमारे साथ, खुलेआम। वो चीटर हमें असली हार दिखाकर नकली हार दे गया। तो 1,07,000 रुपए लेके गया और 700 रुपए का हार लेके गया, वो लुट चुके तरह। ओ खुदाई, अब हम क्या करेंगे? इतने मेहनत से जमा किए हुए पैसे गए। कुठेस रे तू देवा, कुठेस? क्या हुआ? क्या बात है, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो? अब डोंगरी कल्ला प्याज के भाव बहुत बढ़ गए हैं ना, तो बहन बहुत दुखी हो गए हैं। दुखी हो गए हैं? हाँ हाँ देवा, बहुत बढ़ गए हैं देवा। हाँ प्याज के दाम तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, क्या कर सकते? कठिन है सगलो कठिन। एक मिनट, यूं तो पूरी सोसाइटी में तमाशा हो जाएगा, हम लोग बेवकूफ बन गए हैं, वो बात आग की तरह फैल जाएगी। सॉरी। You know what? यहाँ पे खड़े होके डिस्कशन करने से अच्छा कि हम लोग घर पे जाके बात करते। मेरे घर पर जाते हैं, बापूजी घर पर नहीं और टप्पू भी स्कूल गया है, तो घर पे जाके सोचते कि क्या करना है। अब क्या हुआ? दया भाभी, उस नकली राकेश ने आपको विजिटिंग कार्ड दिया था ना? मेरे पास कार्ड है, मैंने घर पे संभाल कर रखा है। ओके ग्रेट, तो उस कार्ड पे जो नंबर होगा ना उस पे हम लोग फोन करके देखते। हाँ, yeah. कुछ तो पता चलेगा। हाँ चलो चलो, शांति शांति रखिए सब, शांति। गली है ही नहीं, पर तू क्यों ऐसा पूछ रही है? अरे नहीं नहीं वीरा, वो क्या है, कोई मुझे एड्रेस पूछ रहा था ना, तो मैंने उसको तुम्हारे जैसे ही जवाब दिया, पर ऐसे ही चेक करने के लिए तुम्हें फोन कर दिया। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ वीरा, बाय। क्या कर रहा है? कहाँ छोड़ रहा है? अहमदाबाद में माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की कोई जगह ही नहीं है।
संपला सगळं संपलं गॉड क्या करे मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि वो सुंदर भाई का नाम लेकर कैसे आया हाँ, हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा है और मैं सुंदर वीरा को ये सब पूछ भी नहीं सकती वरना उसे टेंशन हो जाएगा अरे देवा फसोलो फैला मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए हाँ बराबर नहीं नहीं रोशन भाभी अगर पुलिस में गए तो सबको तो पता चलेगा ही हमारे पतियों को भी पता चल जाएगा अरे हाँ नहीं 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 अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा कितना चालाक है वो नकली राकेश यार हमें लूटने के लिए बराबर सोच समझ कर प्लान बनाया था उसे पक्का पता था कि हमारे पास इतने सारे रुपए हैं हाँ और उसे ये भी पता था कि हम नेकलेस खरीदने वाले हैं हाँ लेकिन ऐसे कैसे उसे सब कुछ पता था क्या पता और आश्चर्य की बात ये है कि सुंदर वीरा ने फोन पर जैसा कहा था वैसा ही मठिया पूरी और सिंह ये सब लेकर वो आया था क्या दया भाभी कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपका और सुंदर भाई का फोन टैप किया हो ये हो सकता है ना हाँ। नहीं नहीं कोई ऐसे कैसे अचानक से क्यों फोन टैप करेगा नो आई डोंट थिंक सो तो क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा मतलब दया भाभी जब दो व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हो और तीसरे की लाइन गलती से जुड़ जाए तो वो आपकी सारी बातें सुन सकता है इसे क्रॉस कनेक्शन कहते हैं तो हो सकता है दया भाभी आप जब सुंदर भाई से बात कर रहे हो तो उसने आपकी सारी बातें सुन ली हो ये हो सकता है ना ऐसा हो सकता है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सुंदर वीरा को मैंने फोन पर घर का एड्रेस बताया ही नहीं था सुंदर वीरा को तो घर का एड्रेस पता है राइट राइट सोचो ये बात कैसे और कहां से लीक हो गई ऐसा तो नहीं कि जब सुंदर भाई दया भाभी के साथ फोन पे बात कर रहे थे तब कोई सुंदर भाई के बाजू में खड़ा हो और उसने सुंदर भाई की सारी बातें सुन ली हो ये हो सकता है हाँ हाँ रोशन भाभी ये हो सकता है दया भाभी आपके साथ सुंदर भाई के बात होने के कितनी देर बाद वो आदमी यहाँ पे आया था हम लोग कट्टी पार्टी खत्म करके जैसे ही घर पर वापस आए उसके शायद आधे घंटे में यानी सुंदर भाई ने उसे सामान दिया होगा फिर वो फ्लाइट से No, I don't think so. कोई इतनी जल्दी अहमदाबाद से मुंबई नहीं आ सकता नहीं नहीं हो सकता हाँ, रोशन भाभी तो है। ये, ऐसा भी तो हो सकता है हाँ, हो सकता है माधवी भाभी उनको बताने दीजिए क्या हो सकता है सॉरी वो थोड़ा बताइए क्या है हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं जब सुंदर वीरा से फोन पर बात कर रही थी तब किसी ने यहाँ मुंबई में मेरी बात सुन ली हो हाँ, ये हो सकता है ना? एक मिनट जब दया भाभी सुंदर भाई से फोन पर बात कर रही थी तब हम सब होटल में दया भाभी के साथ ही थे तो ये कैसे हो सकता है और हमारे आसपास के टेबल भी तो खाली थे वहाँ कोई नहीं था जो हमारी बातें सुन सके एक मिनट हम लोग एक बात तो भूल रहे हैं क्या उस वक्त हमारे आसपास वेटर थे करेक्ट शी इज राइट जब हम लोग लंच कर रहे थे उस वक्त सुंदर भाई का फोन आया था और दया भाभी उनसे बात कर रही थी तब होटल का एक वेटर दया भाभी के एग्जैक्टली पीछे खड़ा था तो भाई रिमेम्बर बबीता तुम मोबाइल से फोटोज ले रही थी अरे हाँ तुम मोबाइल चेक करो ना हाँ? शायद कुछ पता चले करेक्ट गुड जॉब ये देखो ये देखो
इस फोटो में साफ दिख रहा है कि ये वेटर दया भाभी की बात एकदम ध्यान से सुन रहा है। इसका मतलब जरूर यह वेटर धोखेबाज राकेश जैसे मिले हुआ है। 100% रिकॉर्ड बिल्कुल सही कहा। उस वेटर ने दया भाभी की सारी बातें सुन ली होगी और अपने पार्टनर राकेश को सारी डिटेल पास कर दी होगी। और बुकिंग के वक्त मैंने हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का एड्रेस लिखवाया था, यानी हमारा एड्रेस उसको पता था। करेक्ट। लेकिन इस तरह उस वेटर पे शक करना सही होगा? पर अंजलि भाभी, ये फोटो थोड़ी झूठ बोल सकता है। हाँ, और वेटर बार बार कुछ ना कुछ सर्व करने के बहाने हमारे पास आ ही रहा था। हाँ। अरे देवा, कितने दुष्ट लोग होते हैं दुनिया में। क्या करें? अरे एक और खास बात तो हम भूल ही रहे हैं। क्या सी? सुंदर वीरा का फोन आने से पहले हम सब लोगों ने कट्टी पार्टी के रुपयों से नेकलेस लेने की बात नक्की की थी, बराबर? राइट। उसके बाद सुंदर वीरा का फोन आया था कि उसका दोस्त मुंबई आने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि वो चालाक वेटर ने हमारी नेकलेस वाली बात और सुंदर वीरा के दोस्त वाली बात को मिलाकर एकदम सोच समझ कर बराबर प्लान बनाकर हम लोगों को बेवकूफ बनाने की चाल चली है। राइट, एब्सोल्युटली राइट, खरंच एकदम बरोबर। अब तो ये कंफर्म हो ही गया कि उस वेटर ने ही हमारी सारी बातें सुनी है। टोटो पछी वो मुंह वेटर रफू चक्कर हो जाए, उससे पहले टाबरटॉक हमें होटल पहुंचना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स, हमारी मेहनत के पैसे ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अरे हम लोग पैसे भी नहीं छोड़ेंगे और उस वेटर को भी नहीं छोड़ेंगे। और शायद 2-4 काना खाली वाज उड़ा रहे था तुझे। आज तो उस राकेश को उसकी नानी याद दिलवा देंगे। हाँ दया, क्या हुआ? क्या इसका क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे वो तेरे बैंक के लॉकर का काम निपट गया कि नहीं? हाँ। नहीं, वो सुंदर वीरा के दोस्त आ रहे थे ना, तो लेट हो गया, तो फिर मैं बैंक में गई ही नहीं। सुंदर और उसका दोस्त काम बिगाड़ने के लिए ही आते हैं। नहीं, कुछ नहीं, वो है क्या गया? कौन? अरे वही सुंदर का दोस्त राकेश सिटी। राकेश भाई वो तो चले गए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। वो क्या है कि वो सोसाइटी की सभी लेडीज हमारे घर पर आई है ना? क्यों, आज हमारे घर में किटी पार्टी है? नहीं नहीं, वो क्या है कि हम लोगों को खरीदी करने के लिए मार्केट में जाना है ना, इसलिए सभी लेडीज यहाँ पर आई है। तो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। चलो बाय। बाय। ओके बाय। चलो चलो जल्दी, निकल जाएगा वेटर। ऐसा सबक सिखाएंगे ना उस वेटर को? धंधा तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं जाएगा। सरकारी नहीं दिया उसको। पुलिस में अरे अमित, अच्छा हो तुम मिला। बाप रे, कटरे देखो, सबको रिलैक्स होने की एक्टिंग करनी है, ओके? स्पेशली माधवी भाभी, आप प्लीज। लेकिन क्या जवाब दूंगी मैं? देखिए, कोई कुछ बोलेगा नहीं, हम और हमारे चेहरे पर टेंशन रखने का ही नहीं है। वह भाभी, पहले आप अपने चेहरे से टेंशन दूर कीजिए। सुनो, हम सब लोग आगे बढ़ते, उनको लगना चाहिए कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। क्या? अच्छा।
ओ, क्या बात है, पूरी महिला मंडल एक साथ। हा? माधवी, तुम्हें छोड़कर सभी भाभियों को मेरा एक साथ नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा कर रहे सब लोग? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आपको चलना है साथ? चलो। क्यों? क्यों? क्यों नहीं? हाँ, आइए आइए भीड़ भाई हमारे साथ शॉपिंग करने मजा आएगा। भीड़ भाई शॉपिंग पे थोड़ी आएंगे, वो तो मजाक कर रहे हैं, राइट राइट? ऑफ कोर्स, भीड़ भाई तो हमेशा ही मजाक करते हैं। क्या हाँ भी, कभी भी मजाक करते रहते हैं। चलो चलो जल्दी। बायका पण कमाल आहेत, बोलूच दिलं नाही। वो वेटर भागने गया हो तो अच्छा है। भागने तो दया भाभी, कहीं से भी ढूंढ के पकड़ लेंगे नालायक को। शांति से क्या ना, तो उसको उसकी नानी याद दिलाएंगे। वो गला लपाड़ देखो, वो तो नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं, मुझ नहीं ना उसको, उसको मुझे। ओ, कहां गया वेटर? एक मिनट दया भाभी। हाँ? मुझे लगता है हम वेटर से कोई सवाल करें उससे पहले हमें यहाँ के मैनेजर से बात करनी चाहिए। राइट, तो बुलाओ बुलाओ वेटर, मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर, हाय, एक्सक्यूज मी। मैडम, आप लोग वेलकम बैक, वेलकम बैक। मैडम, आई एम रियली सॉरी बट आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आज रश कुछ ज्यादा ही है। नहीं 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 भाई। मैडम, आपने मुझे फोन कर दिया होता तो मैं आपके लिए टेबल बुक करके रखता। अरे नहीं नहीं, मैनेजर भाई, हम अभी यहाँ पर खाना खाने नहीं आए, हमें आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, कहिए कहिए। वो क्या है, कल दोपहर को हम जब खाना खाने यहाँ आए थे तो जिस वेटर भाई ने हमें खाना परोसा था ना, हमें उनको मिलना है। हाँ, हाँ, जो हाँ, हमें अटेंड कर रहे थे ना वो। एनी प्रॉब्लम? अब मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो क्या है, हम लोग देखिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हाँ। हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट लंच और डिनर के लिए आते हैं तो यहाँ पर फोटो क्लिक करते हैं और उस फोटो में हमारा स्टाफ भी आ जाता है। वैसे भी आप जिस वेटर पर शक कर रही है वो हमारा काफी पुराना मेहनती और विश्वासु वेटर है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, और आज वो ड्यूटी पर भी आया है। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो आज आता ही नहीं। देखिए मैडम, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मेरी आपसे एडवाइस है, आप जाकर पुलिस कंप्लेंट करिए। काम का किसी पर शक करना ठीक बात नहीं है। हाँ, बट एटलीस्ट आप उस वेटर से हमें मिलवाए तो सही। हाँ। सॉरी मैडम, इस वक्त हमारा बिजनेस टाइम है और मैं नहीं चाहता कि आपके बेवजह के शक की वजह से यहाँ पर कोई गड़बड़ हो और उसकी वजह से हमारे होटल की रेपुटेशन खराब हो। I'm sorry. देखिए मैनेजर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, भाई साहब, एक बार ही उनसे बात करनी है बस। It's not possible. मुझे मेरे स्टाफ पर पूरा विश्वास है, मेरा स्टाफ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और वैसे भी थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ एंगेजमेंट की पार्टी है और मेरा स्टाफ उसमें पूरी तरह से बिजी है, इसलिए मैं आपको उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। I'm really sorry. कोई बात नहीं मैनेजर भाई, शायद आप सही हो, हमारी ही कोई भूल हो गई हो। बराबर है, सॉरी हाँ, आपका टाइम बिगाड़ा शायद। चलिए चलते, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है।
अरे मतलब सबूत नहीं मिले तो हम लोग उसे छोड़ देंगे। देखिए मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। आप बराबर कह रहे हैं लेकिन शांत रहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, वो चीटर राकेश को और वेटर को हमारी जेल में फंसाने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। कौन सा आइडिया? आइडिया ये है कि सॉरी यहाँ नहीं घर पे जाके सब बताती हूँ। भाभी किसका नंबर ढूंढ रही है? वही तो, क्या कर रही है कुछ बता भी नहीं रही है। दया भाभी जैसे जैसे टाइम जा रहा है टेंशन बढ़ रही है, आप क्या कर रही है वो तो बताइए। हाँ दया भाभी। दो मिनट अभी बताती हूँ। उस फ्रॉड को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, वरना हमारे पैसे गए। हम पुलिस के पास भी तो नहीं जा सकते हैं ना, वो पता है कैसी मुश्किल में डाल दिया है। 160,000 रुपए वो नालायक एक साथ 60 मिनट में लेके गया। मिल गया। वो ज्योति बहन का नंबर मिल गया। मतलब क्या कर रहे थे अभी आप? कौन है ये ज्योति बहन, कुछ तो बताओ। ज्योति बहन मेरी बहन पुणी है। अरे फ्रेंड है, और उनका बोरीवली में महिला मंडल का ग्रुप चलता है। वेटर को फंसाने के लिए ज्योति बहन हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? हाँ, उसे जाल में कैसे फंसाएंगे? क्या प्लान सोचा है कुछ बताइए ना प्लीज। हेलो। हाँ कोमल भाभी। सॉरी ज्योति बहन। हेलो ज्योति बहन, मैं दया बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? हेलो दया भाभी, आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं मजे में हूँ भी और नहीं भी। अरे दया भाभी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या हो गया, मैं कुछ मदद करूँ? इसीलिए तो फोन किया। हेलो दया भाभी। हाँ ज्योति बहन, वो आप मुझे ये बताइए आपका महिला मंडल का ग्रुप कैसे चल रहा है? दया भाभी बोरीवली से कांदीवली तक महिला मंडल के मेरे 10 ग्रुप हैं। कल महिला मंडल के एक ग्रुप की पार्टी भी है। तो ज्योति बहन मुझे कल ही आपके महिला मंडल के ग्रुप की मदद चाहिए, मिल सकती है? हाँ जरूर, लेकिन हुआ क्या है? क्या है, हम गोकुल धाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, होटल में दोपहर को खाना खाने गए थे। हाँ दया भाभी आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी के अभी अपनी लंच का बुकिंग उसी होटल में करा देती हूँ, और आपने जैसा कहा है ठीक हम लोग वैसा ही करेंगे। थैंक यू ज्योति बहन, तो कल आप उसी होटल में कट्टी पार्टी की व्यवस्था कीजिए, फिर हम सब मिलके वो वेटर को जेल में फंसाते हैं। हाँ जरूर दया भाभी, मैं सब कुछ फिक्स करके कल आपको फोन करती हूँ। ओके थैंक यू ज्योति बहन। बाय बाय। ओके बाय। ज्योति बहन हमें मदद करने के लिए तैयार है, कल हमें वो उसी होटल में मिलेंगे। या वेरी गुड दया भाभी, वेरी गुड, थैंक गॉड। दया भाभी आइडिया तो अच्छा है, लेकिन रुके, हम में से कौन जाएगा ज्योति बहन के ग्रुप के साथ? अरे सुनिए, आई थिंक दया भाभी आपको जाना चाहिए वहाँ पे। मैं हाँ, क्योंकि देखो ज्योति जी आपकी फ्रेंड है तो यू नो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। बबीता बराबर बोल रही है, आप ही जाइए। हाँ, दया भाभी प्लीज आप जाइए ना प्लीज। हाँ दया भाभी ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन वो वेटर बहन मुझे पहचान लिया तो प्लान का पचका हो जाएगा। वो वेटर दया भाभी को ना पहचान पाए इसका मेरे पास एक रास्ता है। क्या 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 बोल तू जल्दी। दया भाभी कल मैं आपको मेकअप है और ड्रेस के साथ ऐसे तैयार करूंगी ना कि आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे। कहीं ज्योति बहन ने भी मुझे नहीं पहचाना तो? ओहो, तो उनको तो हम इन्फॉर्म कर देंगे ना। हाँ आइडिया। हाँ दया भाभी।
अरे रुकिए रुकिए दया भाभी, एक और प्रॉब्लम है। पत्रकार, जब आप अलग गेटअप में निकलेंगी तब किसी ने सोसाइटी में से आपको देख लिया तो कठिन है। कोई कहीं नहीं जाएगा। इसका सोल्यूशन मेरे पास है। क्या? बोलिए बोलिए। बिको मेरे घर लेके आना, हम वहाँ से ही दया भाभी को तैयार करके रवाना कर देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दिस इज अ बेटर आइडिया। माता जी, इस प्लान में हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। हमारा प्लान सक्सेसफुल होने दो देवा, गणपति बापा। बोरिया, सोते वक्त भगवान का नाम लेना ही चाहिए माधवी। हाँ। अच्छा माधवी, वो तुम महिला मंडल ने वो पैसा इकट्ठा किया था ना 1.5 लाख रुपया, उसका क्या हुआ? आपने बोला था ना कि घर में रखना जोखिम है, इसलिए दया भाभी को दे दिए। गुड नाइट सना। अरे नहीं नहीं, दया भाभी को दे दिया वो ठीक किया तुमने, लेकिन उन पैसों का क्या करने का नक्की किया है? नक्की अभी तक कुछ नक्की किया ही नहीं है। गुड नाइट। कमाल है, अभी तक नक्की नहीं किया तुम लोगों ने, तो फिर किटी पार्टी में किया क्या? आपको क्यों इतनी पंचायत है? मतलब मैं कभी आपको पूछती हूँ कि सोसाइटी में कितना फंड है, कितने पैसे खर्च हुए, कितने पैसे आए, पूछती हूँ कभी? गुड नाइट। तो ऐसे ही पूछ रहा था मैं, तो अभी भी बोल रहा हूँ कि पैसे बैंक में रख दो, जब तक कुछ नक्की नहीं होता बैच मिलेगा। अभी भी सोच रहे? हम महिला मंडल सोचेंगे क्या करना है। गुड नाइट। कमाल है, जाचा कराओ भलो, तुम तो माझच। गुड नाइट। गुड नाइट। बापरे, टप्पू के पापा के साथ बातें करूंगी तो मुझसे कुछ ना कुछ बात निकल ही जाएगी, इससे अच्छा चुपचाप फटाफट सो जाती हूँ। अरे आज बहुत जल्दी सो रही है। हाँ, बहुत थक गई हूँ। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? तो ठीक है ना? हाँ। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं। गुड नाइट। हे माता जी, कल हम गोकुल धाम के महिला मंडल की लाज रखना। हे भगवान, उस चीटर ने हमें बेवकूफ बनाया है। हाँ, और आज हम उस चीटर वेटर को पकड़ने जा रहे हैं। प्लीज हमारी इस प्लान में हमारी मदद करो, प्लीज। हाँ भगवान जी प्लीज, वरना हम अपने पति को क्या मुंह दिखाएंगे। हे माता जी, हमारे साथ नेकलेस की चैंटिंग करने वाले झूठे बेईमान को आज हम जाल में फंसाने वाले हैं। इस प्लान में हम लेडीज लोगों के रुपये वापस दिलवाने में हमारी मदद करना। बहू जी, बापूजी। जेठिया जाग गया? हाँ बापूजी, मैंने अभी टप्पू के पापा के लिए नाश्ता रखा, वो अभी तैयार होकर आ ही रहे हैं। ठीक है बहू, मैं मंदिर जाकर आता हूँ। बापूजी एक मिनट, आपके आशीर्वाद दीजिए। अरे बहू, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही हैं। फिर भी बापूजी, आज आपके आशीर्वाद लेने का मन हो गया। हाँ, जीवती रहे जीवती रहे, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे और तुझे हर काम में सफलता मिले। चलता हूँ। जी बापूजी। अरे दया, फटाफट चाय नाश्ता दे, आज दुकान में बहुत काम है। ये देखे रेडी है। ओहो, अरे वाह। अरे दया, आज दोपहर को, सॉरी टप्पू के पापा, आज दोपहर को मैं घर में नहीं हूँ,
तो आपका कोई भी काम मैं दोपहर को नहीं कर पाऊंगी। क्यों, आज फिर से किटी पार्टी है? हाँ। सच में? सच में आज किटी पार्टी है? अरे देख क्या हो क्या रहा है, तीन दिन में दूसरी किटी पार्टी। हाँ वो क्या है, पहले किटी पार्टी में इतना मजा आया ना कि सब लोगों ने बोला कि चलो एक और किटी पार्टी करते हैं। तो... अरे इतना क्या मजा आ गया तुम लेडीज लोगों को? बातें करने का? बातें करने का? हम वो क्या है कि हम सब लेडीज जब पहली बार मतलब मिलते हैं ना तो हाय हेलो केम छो केम नहीं से बात की शुरुआत करते हैं। फिर हम लोगों ने जो कपड़े पहने होते हैं ना उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ से लिए, कितने में लिए, डिस्काउंट में लिए, सेल कहाँ तक है, वगैरह वगैरह, बराबर। फिर हम लोगों ने जो गहने पहने होते हैं ना उसके बारे में बात करते हैं कि अरे वाह ये तुम्हारा हार तो मस्त है, कितने तोले का है, ये तुमने बूटी पहनी है मस्त है, अरे अरे वाह ये बंगड़े की डिजाइन तो बहुत मस्त है, तुम्हारे झलर भाई का नंबर दोगी, ऐसा सब, बराबर। उसके बाद हम बस 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 समझ गया भाई, समझ गया, किसी ने सच्ची कहा है, तुम लेडीज लोगों की बातें चकडोर जैसी होती है, एक बार शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती है, गोड़ 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 घूमती रहती है। क्या करें, हम लेडीज लोग होते ही ऐसे। चलो मैं निकलता हूँ, जय जिनेंद्र। क्या निकलता हूँ, चाय नहीं पीनी? ये देख तेरी लंबी लंबी गोल गोल बातों के चक्कर में चाय पीना भी भूल गया। क्या करूँ, मेरी बातें होती ऐसी। सॉरी टप्पू के पापा, मैं आपको असली बात नहीं बता रही हूँ, पर मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत से पहले पति के आशीर्वाद लेना हर पत्नी का धर्म है। चल दे मैं निकलता हूँ। एक मिनट। क्या कर रही है? आपके आशीर्वाद ले रही हूँ। आशीर्वाद ले रही है कि डरा रही है मुझे? नहीं नहीं मैं डरा नहीं रही हूँ, मुझे डर ना लगे इसलिए आपके आशीर्वाद ले रही हूँ। अरे हाँ 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 भाई, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, लेकिन तुझे किस बात का डर लग रहा है? गुरुवार का। गुरुवार का मतलब? मेरी माँ हमेशा कहती है कि गुरुवार को अचानक पति के आशीर्वाद लेने से कार्यों में अचानक सफलता मिलती है। अच्छा हाँ। लेकिन आज तो अचानक बुधवार है। हाँ तो मुझे पता है, देखिए कल दुकान जाते वक्त आपको देर ना हो जाए इसलिए मैंने एक दिन पहले ही आपके आशीर्वाद ले लिए। ओ अच्छा ऐसे, वाह ये तो तूने बहुत अच्छा किया दिया। चलो अभी मैं निकलूं, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाभी बोलिए। ज्योति बहन हम होटल में दोपहर में मिलने वाले हैं तो उसकी सब व्यवस्था हो गई है ना? हाँ हाँ दया भाभी, बुकिंग हो चुकी है और मैंने अपने ग्रुप की लेडीज को समझा भी दिया है कि वहाँ जाकर क्या करना होगा। थैंक यू ज्योति बहन, अभी आगे क्या करना है वो सुनिए। हाँ ठीक है भाभी। हाँ तो चलिए ठीक 12:30 बजे हम लोग होटल पे मिलते हैं। हाँ ओके दा भाभी बाय। हाँ थैंक यू। हाँ अभी अंजलि भाभी को फोन करके बता देती हूँ। हेलो। हाँ अंजलि भाभी, मेरी ज्योति बहन से सब बात हो गई है, हम लोग 12:30 बजे होटल पर मिलने वाले हैं। ठीक है दया भाभी, तो आप एक काम कीजिए, आप अभी मेरे घर आ जाइए, मैं सबको बुला लेती हूँ, मेरे घर पे ही आपको तैयार करके हम यहाँ से आपको भेज देंगे। थैंक यू। तीन दिन में दो दो किटी पार्टी, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मैं तो सबको पूछता हूँ ये सब क्या हो रहा है भाई। हाँ जी जेठालाल जी, क्या हुक्म है बोलिए। अरे भाई हम मजदूर लोग क्या हुक्म करेंगे,
मेहता साहब, आपको पता है कि नहीं आज ये औरतों की वापस फिर से किटी पार्टी है। हाँ हाँ, पता चला मुझे, अंजलि का फोन आया था, उसी ने बताया कि सारी महिलाएं मिलकर फिर से किटी पार्टी करने वाली है। वही मेहता साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, 3 दिन में 2-2 किटी पार्टी, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है जेठालाल, और 3 दिन में 2 पार्टियां हुई तो क्या हुआ? देखो क्या होता है, मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है, एक जगह तो ठहरता नहीं, और खास तौर पे महिलाएं, उनका कोई भी शौक किसी एक जगह पे टिक ही नहीं सकता, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, मनाने दो। कितनी मनाती है किटी पार्टी, सब हो जाएगा ठीक 2-3 पार्टीज के बाद। वो भी है। एक मिनट जेठाल, जेठाल कोई अर्जेंट फोन आ रहा है, मैं तुम्हें 2 मिनट में वापस करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। हाँ ओके ओके ओके। हेलो, रोशन भाभी, हेलो, नमस्ते। जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ। हाँ। मुझे क्या करना है? नहीं नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है हमें ही करना है। हाँ। देखो मैं अपना मेकअप का किट लाई हूँ, मेकअप और नए हेयर स्टाइल के साथ आपका लुक पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ, आप एकदम अलग दिखोगी। हाँ हाँ, और मैं कुछ वेस्टर्न कपड़े लाई हूँ, वो पहन ले, आप बिल्कुल अलग दिखोगी। परफेक्ट, चलो चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी। भाभी को कहीं देखा है? बिल्कुल सही कहा। दया भाभी, एक्चुअली हमने आपको तैयार किया है, इसलिए हम आपको पहचान पा रहे हैं। वरना किसी और का आपको पहचान पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सर से पांव तक एक क्लास। मैं इतने सुंदर दिख रही हूँ, उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। अच्छा दया भाभी, अब इस गेटअप में आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से बातें करनी है, ये अब हम आपको सिखाएंगे। आ जाइए। होटल में जाके मैं क्या करती हूँ? हाँ लेकिन दया भाभी,
जो बोला है वही करना है, प्लीज। हाँ, डोंट वरी मिसेस भिड़े। बेन। चल चल चल। ओके, नाउ प्लान के मुताबिक गाड़ी बाहर तैयार है। हाँ दया भाभी, जल्दी, लेट हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ चलिए, बबीता जी, आपको पता है ना आपको क्या करना है? हाँ, आपका जैसे ही मुझे मिस्ड कॉल आएगा, मैं समझ जाऊंगी कि मुझे क्या करना है। ओह, बाय द वे, आपने वो मोबाइल लिया है ना? हाँ, फोन है ना, ये रहा फोन, इसमें ये रहा। वेरी गुड, चलो चलो चलो। एक मिनट, चलो चलो बाबा। अरे भूल ही गए। गुड गुड। परफेक्ट, नाउ शी इज रेडी टू गो। गुड, चलो चलो। रुके रुके, जरा ऑयल बेस कर लेते हैं। अच्छा सुनो, हम बाहर जाके चेक करते हैं कि रास्ता ऑल क्लियर है कि नहीं। संभल के जाइए, गुड लक, ऑल द बेस्ट है भाभी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है? वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हां, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब फोन करना एक, ठीक है? चलो भैया, जल्दी से पकड़ेंगे बेटी। द बेस्ट, कुछ ही अच्छा होगा सब। थैंक यू, बाय। सब ठीक हो जाएगा। दया भाभी, हाँ हम पहुँच गए हैं, आप किटी पार्टी में आ रही हैं ना? हाँ ज्योति, मैं बस 5 मिनट में पहुँच ही रही हूँ। ओके, आप जल्दी पहुँचिए, बाय। बस बस यहीं रोक देना भाई। गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम टू आवर होटल। थैंक यू। आप किटी पार्टी के लिए आई हैं? प्लीज दिस वे। ओह यार, ज्योति, ज्योति, माय गॉड, मोना, माय डियर, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हमारी किटी पार्टी में एक और मेंबर ज्वाइन हो रही है। Meet my friend, Mona Maheshwari. Hi. Welcome. कैसी हो मोना? आई एम मुझमा। आप बैठो ना। हाँ, कैसे आप लोग? Fine. Thank you. फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मोना महेश्वरी बहुत ही बिजी लेडी हैं। इनके पति के दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद में बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस है, और लंदन और बैंकॉक में भी। और इनके कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। सच में हमारी किटी पार्टी को ज्वाइन करके
मोना महेश्वरी ने हमारी किटी पार्टी की शान ही बढ़ा दी है। ओह, अरे थैंक यू तो आपको कि आप लोगों ने आपके ग्रुप का मुझे मेंबर बनाया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। वैसे ज्योति मुझे हमेशा कहती थी कि प्लीज तुम हमारा ग्रुप ज्वाइंट करो, है ना? पर मैं भूल जाती थी। और हाँ फ्रेंड्स, मोना को तो भूलने की बीमारी लाखों रुपए की है। एक बार तो शॉपिंग मॉल में 2 लाख की शॉपिंग करके सारा सामान वहीं भूल आई थी। क्यों मोना जी, सच कहा ना? हाँ ये तो ठीक है, पर मैं कभी कभी लोगों के नाम और चेहरे तक भूल जाती हूँ। हाँ, एक बार तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा, आपको कहीं देखा है? इतनी भूल लगती तो है। चलो चलो खाने पीने का ऑर्डर दे देते हैं। दया भाभी ने अच्छे से मैनेज तो किया होगा ना भाभी? माधवी भाभी आप बेफिक्र रहिए, आई एम श्योर दया भाभी सब कुछ संभाल लेंगी। बराबर है, लेकिन फिक्र तो होती है ना। लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स कि हमने जैसे सब प्लान किया है वैसे ही सब हो जाए। डोंट वरी, जैसे ही सिचुएशन क्लियर होती है दया भाभी हमें मिस कॉल कर देगी। वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। परमेश्वरा, मैंने नई गाड़ी एक बार खरीदी थी तो मुझे उसका कलर अच्छा नहीं लगा, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड को वो गिफ्ट में दे दी। और उसके पास से ही 10 लाख रुपए देकर एक पुरानी गाड़ी खरीदी। क्या है कि मुझे जो चीज अच्छी लगती है ना, तो मैं पैसों के सामने कभी नहीं देखती। थैंक यू। वेलकम मैम। Start. हेलो, 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 हाँ, पूनम, तुम मेरे फ्रेंड है
ज्योति, उसका एड्रेस लिखो। हाँ ओके ओके। एक घंटे में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी और तुम तुम्हारा कोई वो ऑफिस का कोई बॉय हो या कोई आदमी हो उसको भेज देना, ठीक है? तुम एड्रेस लिखो। तो लिखो ज्योति शर्मा 303 माउंट बिल्डिंग एसरी रोड गोरेगांव वेस्ट। गोरेगांव वेस्ट। हाँ हाँ लिख लिया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके गुड। अच्छा मुझे जरा ये बताओ कि कौन पैसे लेने के लिए आएगा? पैसे लेने विजय नाम का एक आदमी आएगा वहाँ पे। ओके विजय। ओके विजय नाम का आदमी आएगा। ओके 3 लाख रुपए दे दूंगी। ओके थैंक यू सो मच। ओके सी यू। ओह आई एम सॉरी। फाइनल सिग्नल दे दिया है। हाँ। मतलब प्लान के मुताबिक हमें अभी कभी निकलना चाहिए। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी जरा वो अर्जेंट फोन था। प्लीज प्लीज ठीक हो जाए तो अच्छा है, बस हमारे पैसे वापस मिल जाए वो इम्पोर्टेंट है। ज्योति हमें तुम्हारे घर पर जाने के लिए जल्दी निकलना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड को मुझे 3 लाख रुपए देने हैं। फास्ट प्लीज। वेटर आइसक्रीम प्लीज। अमंगल एक बहुत बड़ी पार्टी हाथ लग गई है, जल्दी आ जा। हाँ जी कहिए। नमस्ते मैं विजय। अच्छा मोना महेश्वरी जी से मिलना था, मुझे पूनम जी ने भेजा है। एक मिनट। अरे मोना मिस्टर विजय आए हैं। हाँ हाँ हेलो हेलो। वो 50 लाख का पेमेंट टाइम नहीं हुआ? हाँ तो कर दीजिए ना। ओहो सेक्रेटरी। अहमदाबाद सूरत बड़ौदा कहीं भी पार्टी के पास जाते ना सुंदर भाई कहते हैं कि सोने का झुमका दागिना वीटी लेना है तो सिर्फ एक राकेश सिटी। नमस्ते। आइए आइए। आइए होना। आइए आइए मैं आपका ही वेट कर रही थी। व्हाट इज योर नेम आपका? जी मैं विजय। पूना से पूनम जी ने आपको फोन किया होगा। यस यस। कितना कैश देने हैं? 3 लाख। 3 लाख? लेकिन मुझे थोड़ी देर पहले पूनम का फोन आया था कि अब
6 लाख दे दीजिए, शायद उनको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई होगी। हाँ, just a minute। हाँ, sure, sure। Friends, प्लीज जरा जल्दी आइए, मिस्टर विजय भाई को उनके 6 लाख देने हैं। तू, तेरा साथी भी पकड़ा गया है। शिंदे, यहूं ये। सब, 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 सब। इकड़े, इकड़े, उठे पढ़ता है इकड़े, इकड़े उबाला, सरल उबाला। इलाज चला करो। माफ कर दो सब। हाँ साहब, माफ कर दो, हमें जाने दो, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। साहब, घपे। दया भाभी, आपके कहने पर हमने इस वेटर पर बराबर वॉच रखी। यही राकेश सिटी उस विजय को यहाँ लेकर आया। हम लेडीज को फंसाने आए थे ना, खुद ही फंस गए। तो भोगा, आपले कर्माची फळ भोगा आता। और नहीं तो क्या, भुक तो। नकली नेकलेस बेच के हमें बेवकूफ बनाया था ना, हम जेल जाके चक्की पीसो। तुझे क्या लगा हमारे साथ चीटिंग करने के बाद तू बची जैसे? लुच्चो, लोगों को ऐसे चीट करते हो, धोखा देते हो, शर्म नहीं आती आपको? अब पता चला हम गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। साहब, हमें माफ कर दो, अब से नहीं, चोरी बंद। चुप, झूठे मक्कार। साहब, साहब, हमें माफ कर दो साहब। साहब, हमें जाने दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, गलती हो गई साहब, जाने दो साहब। ये गप्पे, हप। दया भाभी, इन दोनों को लॉकअप में बंद करके ऐसा मेनू खिलाऊंगा कि आज तक जिन जिन औरतों के साथ इन्होंने धोखा किया है, फ्रॉड किया है, सब फटाफट बोल डालेंगे। शांत हो जाइए, देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे हम इनसे जल्द से जल्द रिकवर करके आपको लौटा देंगे। अरे ये तो हमारा फर्ज है। चलो चलो, हवालात में चलो। जिंदे गेहूं ये। ए कर, लेकिन बात तो सुनिए साहब। अरे अच्छी तरह ज्योति बहन, आपकी वजह से ही हम इन चीटरों को पकड़ पाए हैं। यस, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, थैंक यू तो हमें गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल का करना चाहिए। आप लोगों की वजह से ही ये फ्रॉड पकड़ा गया है, वरना ना जाने ये और कितने लोगों को लूट लेते। एकदम सही बात कही ज्योति बहन। तो चलो चले। हाँ, हाँ, हाँ। अरे आप लोग को चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं थैंक यू, पर आज नहीं, फिर कभी। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ, बाय मोना महेश्वरी। हम लेडीज की यूनिटी
इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि सस्ती चीजों की लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, कभी नहीं। हाँ, बराबर बराबर, अंजलि भाभी ने बराबर कहा। हर चमकती पीली चीज सोना नहीं होती है। सही कहा दया भाभी ने। हाँ, और इस सस्ते सोने की लालच में हमने सोने जैसी मीठी नींद गवा दी। अरे पर कुछ नहीं, जाग गया टॉर्टिसा। लेकिन पुलिस जब हमारी कैश लौटाएगी, हाँ? तब हम तुरंत बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। तुरंत? एक मिनट भी वेट नहीं करेंगे, ताकि बैंक में बैठे बैठे अपने पैसे डबल हो जाएंगे। कोमल भाभी, ऐसे डबल तो सबको पसंद आएंगे। कम ऑन। सो लेट अस होम। अरे माधवी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। उस चीटर को 6 लाख रुपए के बदले में पुलिस स्टेशन में मिलेंगे 6 लाख। चला तो फिर इसी बात पे एक और पानी ना डाल दे। भाभी, पहचान लिया। माधवी, क्या है सब? और तुम लोग भी, आप क्या बोल रही थी अभी? 6 लाख मिलेगी चीटर को पुलिस स्टेशन? क्या चाल रहा है सगळं माधवी? कहीं नहीं, तुम इधर ही चला। एक मिनट माधवी, एक मिनट। जरूर कोई बात है जो तुम लोग छुपा रहे हो। क्या बात है माधवी? माधवी, भेड़े भाई, मैं बताती हूँ। एक्चुअली हम सब लोग किटी पार्टी मनाने होटल गए थे। वहां पे हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे किटी का जो जमा हुआ पैसा है 1,60,000 रुपए, हम लोग उससे गोल्ड का नेकलेस खरीदेंगे। बट होटल के एक वेटर ने हमारी ये सारी बातें सुन ली और उसके बाद मैं सुंदर भाई का दोस्त राकेश सिटी। राकेश भाई, हमें ये 6.5 तोले का सेट पसंद है। सब काट कर जोड़ कर इस सेट का भाव होता है 1,57,950। सुंदर का दोस्त अहमदाबाद से आया है। अच्छा, राकेश सिटी? नहीं मीना, पूरे अहमदाबाद में मेरा एक ही दोस्त है जिसका नाम राकेश सिटी है। हाँ हाँ दया भाभी, आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी के अभी लंच कब की उसके होटल में करा देती हूँ। तुम मेरे फ्रेंड है ज्योति, उसका एड्रेस लिखो, 1 घंटे में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। और तुम, तुम्हारा कोई वो ऑफिस का कोई बॉय हो या कोई आदमी हो, उसको भेज देना, ठीक है? लेकिन बात तो सुनिए सब। देवा देवा देवा, बाप रे, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, इतनी बड़ी चिट्ठी हुई। माधवी, तुमने मुझे बताया भी नहीं। भीड़ भाई, अब भीड़ बहन को मत डांटिए प्लीज। दरअसल ये बात हमने हमारे घर में भी किसी को नहीं बताई है। हाँ हाँ, हमने किसी ने नहीं बताया। अगर ये चैंटिंग वाली बात घर में बताते तो पहले डांट हमें ही पड़ती। अगर मैं रोशन को ये बात बताती तो वो डायरेक्ट निकल जाता उस वेटर को मारने के लिए और फिर हंगामा हो जाता। इसीलिए हम लोगों ने सोच समझ के डिसीजन लिया था कि आप लोगों से हम लोग ये बात छुपाएंगे। सॉरी भीड़े भाई, मान लीजिए अगर ये बात हमने आपको बताई होती तो आप क्या करते? अरे क्या करते मतलब, हम लोग पुलिस पे कंप्लेंट करते और उस फ्रॉड को पकड़वा देते। एग्जैक्टली भीड़े भाई, हम सब ने भी वही किया। हाँ भीड़े भाई, आज की स्त्री अपनी बुद्धि, हिम्मत और समझदारी से हर वो काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। Yes, never underestimate the power of women. क्या बात? वैसे आप लोगों ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैं आप लोगों की हिम्मत और सोच की दाद देता हूँ। आप लोगों ने अकेले ही अपने बलबूते पर उस चीटर को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे आप सभी पर गर्व। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। भीड़े भाई,
मेरी माँ हमेशा कहती है, जिंदगी हर कदम पर हमें कुछ न कुछ सिखाती है और जो सीखते रहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। भाई क्या बात है दया भाभी, आपके माता जी का भी जवाब नहीं। थैंक यू भीड़े भाई, टप्पू के पापा भी यही कहते हैं। लेकिन फाइनली 1,60,000 रुपए का हुआ क्या? मुझे लगा ही आप पूछेंगे। डोंट वरी भीड़े भाई, हमारे पैसे सेफ है। जी हाँ, पुलिस की सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाने के बाद वो पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। वाह वाह वाह, फिर वो पैसा मिलने के बाद वापस असली सोना खरीदने का है ना? नहीं 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 भीड़े भाई, भीड़े बहन ने इसका मस्त आइडिया दिया है। अच्छा, हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट में फिक्स करने वाले हैं। ओहो, भीड़े बहन ने आइडिया दिया ये? वेरी गुड माधवी, वेरी गुड। चलो अन भला तो सब भला। बोला गोकुल धाम महिला मंडल का।